से जब आ जाए बारिश की, ये है सिंगापुर की बारिश। भागो 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 अभी मैं एयरपोर्ट से, कल रात की मेरी फ्लाइट थी, आपको बताया आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, और मैं दिल्ली से सिंगापुर आया हूँ। मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट ली थी, जिसमें कि वो एयर इंडिया ड्रीमलाइनर प्लेन यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छी फ्लाइट रही। तो मैं सुबह 7:30 पे सिंगापुर टाइम एयरपोर्ट पर पहुँच गया था। उसके बाद में मैंने वहाँ से टैक्सी ली, और टैक्सी से पूरा रास्ता जो मैंने कवर किया एयरपोर्ट से सिटी तक का, जहाँ पर मैंने होटल लिया है वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो अभी मैं आपको एक, इससे पहले कि मैं रूम, जो मैंने रूम लिया है जिस होटल में, ये काफ़ी अच्छा, सस्ता और टिकाऊ, मतलब बहुत ही अच्छी लोकेशन और अच्छा होटल है ये, और रूम भी इसके काफ़ी अच्छा है। तो इससे पहले मैं रूम को ख़राब करूँ तो आपको एक मैं क्विक टूर देता हूँ इस रूम का। तो ये रूम जो है, ये होटल बॉस सिंगापुर है, ये मरीना बे सैंड के आसपास ही पड़ता है, और इसमें बहुत ही अच्छा, अच्छी लोकेशन पे ये होटल है। यहाँ से लिटिल इंडिया भी पास में है, बुगिस जंक्शन पास में है, और भी काफ़ी जो हैपनिंग प्लेसेस हैं सिंगापुर के वो आसपास में है, तो काफ़ी अच्छा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे होटल बॉस में मैंने लिया है प्रीमियर रूम विद बालकोनी, तो मैं अभी आपको इसका क्विक व्यू दिखाता हूँ, तो आप भी देखिए कैसा रूम है ये रूम के अंदर है। ये मेरे पीछे ये लिफ्ट से ये लॉबी है, लिफ्ट लॉबी, और ये सारे रूम्स हैं, और ये है मेरा रूम। ये देखिए, ये मेरा रूम है, रूम 698, और अभी ये की है दी गई, अभी इस की से इसको रूम को खोलते हैं और दिखाते हैं आपको। ये मैं खोला, और ये देखिए, ये एंटर करते ही आपको की जो है ये यहाँ पे डालनी है, ताकि ये लाइट्स ऑन हो जाए। तो यहाँ पे इसका रूम का टेम्परेचर और सब दिखा रहा है, फ़ैन, एसी फ़ैन कितनी स्पीड पे चल रहा है, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे ये कंट्रोल है। यहाँ पे स्विचेस वगैरह हैं, तो ये नॉन स्मोकिंग रूम है, आप देख सकते हो। और अभी चलते हैं अंदर। तो ये देखिए, ये है फर्स्ट व्यू इसका। तो ये एक क्वीन बेड है इसमें, और जिसमें एक या दो लोग आराम से आ सकते हैं, और ये एक डेस्क दिया गया, काफ़ी अच्छा डेस्क है, इसमें चेयर है, और आप बैठ के यहाँ पे ऑफिस का कुछ अगर काम है, यहाँ पे आप लैपटॉप स्टेशन है, यहाँ पे आप दो USB है, और ये कैटल दी गई है चाय, और ये बनाने के लिए चाय कॉफ़ी आप बना के पी सकते हो। दो बॉटल्स इसमें, मिनरल वाटर की बॉटल जो है, दो कॉम्प्लीमेंट्री बॉटल दी गई है, और कप है इसमें, आप चाय बना के पी सकते हैं। और ये इंटरकॉम फोन है, टिश्यू पेपर्स, और ये 40-inch कलर TFT TV दिया गया है इसमें, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे एक ऊपर शेल्फ है, यहाँ पे कुछ सामान आप रख सकते हैं। तो मैं, ये है कुल मिला के ये वाला रूम, काफ़ी अच्छा रूम है, ये बेड है, काफ़ी कॉम्फी बेड है इसमें, देखिए, तो काफ़ी स्प्रिंग मैट्रेस वाला बेड है। और ये पीछे बहुत सुंदर सा एक पेंटिंग है, और यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है ये वाला, इसमें कुछ रख लो, और यहाँ पे ये चार्जिंग पॉइंट है जहाँ पे, और कुछ कंट्रोल है।
और ये एक चेयर दी गई है जिसमें आप बैठ सकते हो और बैठ के बाहर का व्यू, अभी मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। इसमें बाहर का बहुत ही अच्छा जबरदस्त व्यू है और रिवर व्यू है और साथ में अरब स्ट्रीट व्यू है, तो अभी दिखाता हूँ। ये देखिए ये बाहर का व्यू, ये जो नीचे है एक तरफ से ये रिवर है आ रही है और बाहर का मौसम अभी थोड़ा बादल हुए हैं बाहर और बारिश आ रही है तो वेदर का भी अच्छा है। और ये नीचे देखिए ये रोड है, तो ये मेरा रूम जो है सिक्स फ्लोर पे रूम है मेरा और इसमें टोटल 18 फ्लोर है इस होटल में। तो मुझे अभी मुझे जल्दी अर्ली चेक इन करना था तो मुझे यही रूम मिला इसी फ्लोर पे, तो इसीलिए फिर मैंने ले लिया। अदरवाइज यहाँ पे सिंगापुर में 2 या 3 बजे से पहले आपको चेक इन नहीं मिलता है किसी भी होटल के अंदर, तो ये एक प्लस पॉइंट है होटल बॉस का कि आपको सुबह अगर आप इंडिया से आ रहे हो या किसी और कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे जहाँ से आपकी फ्लाइट जल्दी पहुँच रही है सिंगापुर में, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और ये देखिए ये व्यू है इसका, ये रिवर है और ये अरब स्ट्रीट है और बादल हुए हैं आप देख सकते हो, और ये कुछ बिल्डिंग्स हैं होटल के उधर, और ये देखिए ये है रिवर व्यू, रिवर। तो व्यू जो है काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे होटल के रूम में से, और इसके नीचे कुछ एक स्टैचू ये बना हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का स्टैचू है लेकिन अभी नीचे जाऊंगा मैं तो देखेंगे कि क्या चीज़ है। काफ़ी अच्छा ये बना हुआ है फाउंटेन, ये कुछ ये रोड है मेन रोड, और ये है रिवर जो कि ऐसे ये सीधी आगे कलाकी की तरफ जाती है, जो कि काफ़ी हैपनिंग प्लेस है सिंगापुर में। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसके बाहर जो बालकोनी है, बालकोनी का व्यू दिखाता हूँ। बालकोनी के व्यू से पहले मैं आपको बाथरूम इसका दिखा दूँ, बाथरूम कैसा, तो ये है बाथरूम इसका, ये है ये शॉवर है और ये मार्बल पूरा काफ़ी अच्छा डिसेंट लुक है इसका, और ये वॉशबेसिन जो साबुन था जो तो मैंने अभी यूज़ किया है, तो साबुन दिया गया है, वॉशबेसिन है, और ये है शैम्पू, ये शैम्पू दिया गया है, और ये बॉडी वॉश है, और ये डेंटल किट भी है, 2 डेंटल किट हैं इसमें, और शावर कैप 2 दिए गए हैं, और ये एक डेंटल किट में ये पेस्ट इसके अंदर से थी निकली है। और अभी ये चलते हैं, आपको बालकनी दिखाता हूँ इसकी, यहाँ से और भी अच्छा व्यू आता है। तो ये देखिए ये है बालकनी जिसमें ये 2 चेयर्स और एक टेबल है, यहाँ पे बैठ के आप चाय वगैरह नाश्ता कर सकते हो। और ये देखिए व्यू, ये बालकनी से व्यू, ये रिवर है, बहुत ही सुंदर रिवर, एकदम क्लीन रिवर है। और ये सामने सॉन्ग बिल्डिंग है, और ये देखिए ये कितने सुंदर व्यू आ रहा है रिवर का। और एक बहुत ही मज़े की बात है यहाँ पे, जो सिंगापुर में आप ग्रीनरी बहुत देखोगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिकल वेदर रहता है तो बारिश कभी भी बारिश हो जाती है, तो उसकी वजह से जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत ही ग्रीन और एकदम चमकते हुए नज़र आते हैं। ये कुछ लोग ये साइकिलिंग कर रहे हैं नीचे, और ये रोड, ये रिवर जो है इधर से आके कुछ इस तरह से दूसरी तरफ जाती है, ये देखिए। ये है, तो ये है इस प्रीमियम रूम होटल बॉस की बालकोनी, और यहाँ से इसका व्यू,
भी है हमने, तो ये बालकनी थी, तो काफ़ी स्पेसियस बालकनी, काफ़ी स्पेसिफिक ऑलमोस्ट एक रूम की जितना स्पेस जो है ये बालकनी में है। तो आप कभी भी सिंगापुर मेरी तरफ से आते हैं, कभी भी अगर आप आते हैं सिंगापुर में, तो ये वाला होटल आपको 100% पसंद आने वाला है। इसकी लोकेशन, इसके रूम्स, इसकी लॉबी बहुत ज़बरदस्त लॉबी है, मैं आपको इसकी लॉबी दिखाऊंगा, स्विमिंग पूल अल्टीमेट स्विमिंग पूल है। तो कुल में आगे बहुत अच्छा मुझे ये होटल मिला है और रूम भी ठीक है और सारी चीज़ें जो भी हैं हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है। तो देखिए हमने ये रूम का व्यू और क्विक टूर मैंने करवा दिया आपको रूम का जी। बरसात बहुत ज़ोर से शुरू हो गई है और देख लो सिंगापुर में बारिश का नज़ारा और बादल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं। ये देखिए कितनी स्पीड में, बहुत ही तेज़ बारिश होती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा तेज। ये देखो और ये, लेकिन तेज़ बारिश में भी कुछ लोग साइकिल चलाने वाले जो हैं फिटनेस के लिए वो साइकिल चलाते हैं। और ये जो सामने जो कम्प्लेक्स है, ये रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, ये सारा जो बिल्डिंग है ये रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। और ये देखिए पूरी बारिश अच्छी तरह से, अच्छी वाली बारिश आ रही है, थोड़ा क्लाउडी है, आप मेरे ख्याल में आवाज़ सुन सकते हो कितनी तेज़ आवाज़ है बारिश की। ये है सिंगापुर की बारिश, हाँ भागो 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 अंदर। ये फोर्थ फ्लोर पे होटल का यहाँ पे स्विमिंग पूल है और किड्स प्ले एरिया है और ये यहाँ पे कुछ चेयर्स भी हैं रेस्ट एंड गो। तो ये चेयर्स अब अगर थक गए हो तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे, अगर आप थक गए हो तो आप इस चेयर पे बैठ सकते हो और ये आपकी टांगे दबाती हैं। तो ये इस तरह की चेयर है, इसमें आप बैठ जाओ तो इसमें, लेकिन इसमें ये चार्जेस है, तो एक 8 मिनट के ये $1 एक मिनट के लिए है और 20 मिनट के लिए ये $5 और 40 मिनट के लिए $10। तो ये है चेयर, इसमें आप बैठ के अपने फुट मसाज करवा सकते हैं और टांगे दबवा सकते हैं। ये है रेस्ट एंड गो। इधर ये पूल एरिया है, तो ये है पूल एरिया, लश ग्रीन है पूरा और ये है पूल, काफी अच्छा है, बड़ा पूल है। और ये एक बहुत ही डिफरेंट यहाँ पे फ्लावर मिलता है ये वाला सिंगापुर में, ये देखिए ये वाला, ये आपको हर कुछ सिंगापुर में काफ़ी जगह पे ये वाला इस तरह का फ्लावर मिलेगा। और ये है होटल, ये देखिए ये है होटल, मैं अभी फोर्थ फ्लोर पे हूँ, फोर्थ फ्लोर पे पूल है और ये होटल है ये, ये। तो ये जिमनेजियम भी है इसके पास में और पूल भी है और काफ़ी बड़ा पूल है ये। तो चलते हैं अभी, मेरे होटल के नीचे ही एक रेस्टोरेंट है मायास किचन, तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है। तो मैंने होटल में ब्रेकफास्ट नहीं लिया है रूम के साथ में, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं है वेजिटेरियन फूड की, तो इसलिए मैंने ये मायास किचन है तो बिल्कुल होटल के नीचे ही है तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो यहाँ पर मैंने कहा अभी यहाँ पर, कल भी मैंने रात को यहाँ पर खाना खाया था तो काफ़ी अच्छा खाना था टेस्ट वाइज और कॉस्ट तो ऑलमोस्ट सेम है, लिटिल इंडिया में आप खाओ यहाँ खाओ तो इट्स ऑलमोस्ट सेम। तो ये अभी थोड़ा सा मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कि कैसा लगता है, काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है और रेट भी इनके ठीक है और खाना भी अच्छा है, टेस्टी खाना है। तो ये मैं इस किचन,
आलू का पराठा विद कर्ड। तो आलू का पराठा जब आप लेते हो तो उसमें कर्ड कॉम्प्लीमेंट्री है। तो आते हैं देखते हैं कैसा है। बहुत भूख लगी है ब्रेकफास्ट में। तो गाइस वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी और भी कई चीज़ें आने वाली हैं, तो प्लीज़ कीप इन टच। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।